शुरू करें क्या? जय हिंद साथियों, आम आदमी पार्टी हरियाणा का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार और गुंडा राज की वजह से आज हरियाणा के लोग बीजेपी जेजेपी के गठबंधन से नफरत करने लगे हैं। हर गांव के अंदर, हर शहर में प्रतिदिन नई ज्वाइनिंग हो रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि हरियाणा प्रदेश भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 26% बेरोजगारी के साथ हिंदुस्तान में पहला स्थान बनाए हुए हैं। अगर मैं 18 से 28 साल के युवकों की बात करता हूं, तो 80% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, हरियाणा के लोग अब चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी केजरीवाल जी आए, दिल्ली मॉडल आए, दिल्ली जैसे काम वहाँ पर हों। आज मेरे साथ में माननीय बंताराम जी वाल्मीकि हैं, जो अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोगों के अंदर आप 22 साल तक स्टेट के SC ST बोर्ड के चेयरमैन रहे और 2 दफ़ा रादौर से आप विधायक रहे। 2019 के अंदर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और नीलोखेड़ी से आप कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़े, वहाँ पे कुछ वोटों से आप रह गए थे। आज अरविंद केजरीवाल जी के अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और बेहतरीन रोजगार की प्रणाली को देख के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बंताराम जी का अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ। बंताराम जी, अपने समाज के अंदर रादौर के क्षेत्र में, नीलोखेड़ी के क्षेत्र में, नॉर्थ हरियाणा के अंदर एक विशेष स्थान रखते हैं और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इनके आने से इनके समाज के लोगों की ताकत तो मिलेगी, आम जनता की ताकत भी आम आदमी पार्टी की वहाँ पर बढ़ेगी। मैं इनका पुनः अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे साथ में हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी हैं, हमारे नोर जोन के अध्यक्ष BK कौशिक जी हैं, सूरा साहब हैं। आज मैं निवेदन करूँगा वाल्मीकि जी से, आप भी 2 शब्द बोलें। मैं नजदीक आ जाओ, आप नजदीक आ जाओ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जो हरियाणा प्रदेश में भीष्म पितामह का रूप धारण करे हुए 24 घंटे में 18-18 घंटे काम करके सैकड़ों लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली की नई सोच और जो नीतियों को लेकर के जैसे पंजाब को की फतेह की है और पंजाब और दिल्ली के बीच में जो हरियाणा प्रदेश जो आता है वहाँ पर जो है ना कि झोंगित झोंपड़ी तक जा कर के माननीय गुप्ता जी ने जो जगाया है, जो हर जो है ना गरीब लोगों को उत्थान हेतु सारी नीतियाँ जो मॉडल जो दिल्ली के मॉडल के बारे में जो अवगत कराया है, उन सभी बातों को मद्देनजर रख करके नीतियों को मान करके और 36 बरादरी के लोगों ने भी मुझे कहा है कि अगर आप जैसा आदमी अगर माननीय सुशील गुप्ता और दिनेश जी के और संयोजक जो हमारे उत्तरी हरियाणा के संयोजक हैं माननीय बालकृष्ण जी कौशिक जी और इनकी सबकी बात को मान करके मैंने अपने आप को आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मैं बन करके अपने आप को मैं गौरव महसूस कर रहा हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़ी बेदाग छवि की धनी जो अच्छी शिक्षा चिकित्सा लेकर के जो चल रही है और मैं उसका बची हुई जिंदगी जो भी है मैं माननीय केजरीवाल की और जो जिसका भीड़ा उठाए हुए है माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूं और ये मेरा हार्दिक इच्छा रहेगी कि जब तक हरियाणा प्रदेश में माननीय केजरीवाल जी के आह्वान पर
राज नहीं बनता तो मैं 24 घंटे में 18-18 घंटे काम करके प्रमाणित करके और राज बनाने में अहम भूमिका अदा करने का काम करूंगा। मेरे छोटे भाई पंडित धीरेश शर्मा जी और माननीय गुरुदेव सूरा जी और जो मेरे साथ दिन रात जो काम करने का जो संकल्प रथ हैं, जो संकल्प लिए हुए हैं, मैं उन साथियों के साथ मिल करके और मैं माननीय केजरीवाल जी की नीतियां जो उठा करके लेकर के जो माननीय सुशील जी सांसद महोदय जो लेकर के हरियाणा प्रदेश में हर आदमी 36 बरादरी के नौजवानों का जो मन जीतने का काम कर रहे हैं, मैं इनके स्वास्थ्य की लंबी आयु की कामना करता हूं। और आज हॉस्पिटल से किस तरीके से जो ये आए हैं और एक पार्टी के हित में जो इन्होंने समझा है और मुझे ज्वाइन करने करवाने के लिए जो आए हैं, मैं इनके लंबी आयु की कामना करता हूं, स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं कि जो ऐसे जो भीष्म पितामह का रूप और हमारे गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जो काम कर रहे हैं हमारे संयोजक महोदय कौशिक साहब, तो मैं उनके साथ मिलकर के करनाल में उत्तरी हरियाणा में ही नहीं हरियाणा प्रदेश में कोने कोने तो मैं किसी प्रिच्या का मुताज नहीं हूँ और मैं जो है ना कि हर जगह जो है ना कि भी मैं पहले गया हूँ और चौधरी देवीलाल जी की उसमें नर्सरी में पैदा होकर के मैंने काफ़ी कुछ वहाँ सीखा है और चौधरी देवीलाल जी आज नहीं रहे हैं लेकिन वो भी एक सच्चे सुच्चे एक महापुरुष और एक जननायक के रूप में थे और मैं उनके उसमें रह करके माननीय केजरीवाल जी भी उन्हीं की नीतियों को लेकर के और अपनी जो सच्ची शिक्षा चिकित्सा को जो लेकर के चल रहे हैं उनमें मैं अहम भूमिका अदा करूँगा। मैंने ज़्यादा बोला है प्रेस के सामने और अपने नेता सुशील गुप्ता जी के सामने ज़्यादा समय लेना तो एक सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। मैं पत्रकार महोदय सभी साथियों का क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मैं आप लोगों के विश्वास तक और लंबी आयु की कामना करता हूँ। थैंक यू। फोटो